हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक नाव में गैबी और विंस्टन नाम के दो रेंजर्स को देखते हैं। वो दोनों एक ड्रोन से किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ड्रोन एक आदिवासी के सामने आता है और वो उसे तोड़ के अपने पास रखता है। अब ड्रोन को खो देने के बाद गैबी खुद जंगल में जाती है विंस्टन को वही रुकने के लिए कहकर। लेकिन उसी जंगल में फिर हम एक आदिवासी को देखते हैं जो जंगल में लगे एक कैमरे पर मिट्टी लगा रहा होता है और वही वो एक जाल भी बिछा लेता है। वही दूसरी जगह गैबी ड्रोन को ढूंढ रही होती है, वही विंस्टन कैमरा से डेटा कार्ड निकालता है, लेकिन वो डेटा देख वो काफी हैरान होता है क्योंकि किसी ने कैमरे पर मिट्टी लगाई होती है। वो सोच में पड़ता है कि ऐसा भला कोई क्यों करेगा और इस जंगल में आखिरकार कौन रहता है, क्योंकि उन्हें आदिवासियों के बारे में पता नहीं होता। वही गैबी उसी आदिवासी के जाल में फंस जाती है और वैसे ही वो विंस्टन को रेडियो के जरिए कॉन्टेक्ट करती है और रेडियो पर जोर जोर से चीखने लगती है। विंस्टन को गैबी के चीखने की आवाज आती है और वो वापस बोट की तरफ भागता है अपना वॉकी टॉकी ढूंढने के लिए, लेकिन गैबी के चीखों से डर कर विंस्टन जल्दबाजी में वॉकी टॉकी नाव में ही गिरा देता है, जिसे वो गैबी को वापस कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। अब गैबी को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। वही हम गैबी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन वो मदद लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक अजीब घर दिखाई देता है। घर में कोई ना होने के कारण वो वहीं पे रुकने का फैसला करती है आराम करने के लिए। तो वही दूसरी तरफ विंस्टन गैबी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कोई नजर आता है। उसे लगता है कि वो गैबी है, इसके लिए उसका पीछा करने लगता है। तो वही हम गैबी को देखते हैं जब वो घर में आराम कर रही होती है, तभी घर के लोग यानी वो आदिवासी आ जाते हैं। उन्हें गैबी को देख काफी दया आने लगती है, इसीलिए वो उसकी मदद करते हैं। तो वही दूसरी तरफ विंस्टन उसे काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो डरने लगता है और आसपास एक जगह पे जाके छुप जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो वही दूसरी जगह हम गैबी को देखते हैं जो इन आदिवासियों को जानने की कोशिश कर रही होती है। वो दोनों आदिवासी दरअसल बाप बेटे होते हैं, पिता का नाम स्टीफन तो बेटे का नाम ब्रेडन होता है। फिर वो गैबी को कुछ खाना देते हैं जो कि दरअसल अजीब सा मांस होता है, जिसे देखकर गैबी कुछ खाती नहीं है, इसीलिए वो भूखी ही सो जाती है। रात को गैबी बैरन से किसी अजीब इंसान के बारे में पूछती है, जिसे उसने भागते हुए देखा था, जो कि दरअसल पेड़ जैसा दिख रहा था। लेकिन इसे सुनते ही बैरन डर जाता है। इसी दरमियान हम गैबी के शरीर पर काफी अजीब से पत्ते उगते हुए देखते हैं, लेकिन तभी गैबी नींद से डरते हुए उठती है। ये दरअसल उसका सपना होता है। अब अगली सुबह ब्रैडन और स्टीफन एक जानवर का शिकार करने के बाद कुछ अजीब सा रिचुअल करते हैं। तो यहाँ पे गैबी विंस्टन को दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपने वॉकी टॉकी से, और इस बार विंस्टन की थोड़ी थोड़ी आवाज उसे आने लगती है। लेकिन विंस्टन को खुद पता नहीं होता कि वो जंगल की भूल भुलैया में आखिरकार कहाँ फंसा है और इनका कनेक्शन वहीं पे कट होता है। तो वही गैबी थोड़े समय के बाद आग जला रही होती है, तब उसे घर के अंदर एक लड़की का फोटो मिलता है। वो आगे कुछ देख पाती उसके पहले ही वो दोनों घर पे आते हैं। रात को फिर से गैबी उनके बारे में जानने की कोशिश करती है और यहाँ पे फाइनली ब्रायन गैबी को बताता है कि कुछ समय पहले वो पैथोलॉजिस्ट था, यानी कि पेड़ और पौधों के बारे में जानने वाला। फिर वो लिली उसकी पत्नी के बारे में बताता है, जिसकी फोटो गैबी ने देखी थी। वो एक केमिकल इंजीनियर थी, पर उसे कोई बीमारी हो गई थी और उसका इलाज ना मिलने पर उसकी मौत हो गई थी। पर लिली अपने आखिरी समय में चाहती थी कि वो थोड़ा समय यहाँ पे बिताए, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे। लेकिन आगे ब्रैडन कहता है कि दरअसल यहाँ आकर उसने ईश्वर को देखा था। लेकिन इस बात से गैबी थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर स्टीफन गैबी को एक लॉकेट देता है। वही हम दूसरी तरफ विंस्टन को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे एक अजीब से क्रीचर में बदल रहा होता है। वो बिल्कुल पेड़ की तरह दिखने लगा था। एग्जैक्टली इसके साथ क्या हो रहा है हमें जल्दी पता चलेगा। अब वही देखते देखते रात हो जाती है और कुछ अजीब से क्रीचर इन आदिवासियों के घर पे अटैक करते हैं। वो क्रीचर दरअसल आंखों से देख नहीं सकते थे और गैबी उन्हें देखकर अचानक से डर जाती है, जिसकी वजह से क्रीचर को गैबी का पता चल जाता है, इसीलिए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन क्रीचर के मुंह से कुछ अजीब सा सब्सटेंस निकल रहा होता है जो गैबी पर गिर जाता है, जिसके कारण गैबी अब इन्फेक्ट होने लगती है। लेकिन सही समय पे ब्रैडन और स्टीफन वहाँ पे आ जाते हैं, वो क्रीचर को मार देते हैं। यहाँ पे स्टीफन गैबी को बताता है
कि वो सब्सटेंस दरअसल फंगस है जो सबसे पहले जो आंख और मुंह से अंदर फैलता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में बाद में फैलने लगेगा, जिसके बाद पहले तो वो एक क्रीचर और बाद में एक पेड़ में बदल जाएगी, जिसे सुन गैबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। गैबी फिर उससे पूछती है कि क्या तुम इन्हीं क्रीचर को अपना भगवान मानते हो? इस पर ब्रायडन कहता है, दरअसल ये सारे क्रीचर इंसानों से बहुत ही पहले से धरती पर है। इंसानों को पेड़ पौधे से जीवन मिला था, इसीलिए वो हमारे लिए भगवान है। और अब समय आ चुका है इन क्रीचर के बढ़ने का। इन सारी अजीब बातों से गैबी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। अब अगले दिन गैबी स्टीफन को अपने फोन से कुछ फोटोज दिखा रही होती है, क्योंकि स्टीफन ने अपनी जिंदगी में कभी मोबाइल नहीं देखा था, क्योंकि स्टीफन को मोबाइल क्या होता है ये भी पता नहीं था। लेकिन ब्रायडन को जैसे ही ये पता चलता है वो गुस्से में गैबी का मोबाइल तोड़ देता है और गैबी से कहता है कि अपनी चीजें अपने पास रखो। इसके बाद जब ब्रायडन और स्टीफन जंगल में गए होते हैं तब गैबी को एक बुक मिलती है जिसमें इंसानों के बारे में कुछ लिखा होता है कि जब इंसान बंदर थे और उन्हें खाने की कमी हो रही थी और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी तो पेड़ पौधों ने ही उन्हें बचाया था, उन्हें खाना पीना दिया था और रहने के लिए जगह दी थी। फिर हम ब्रायडन को देखते हैं जो एक पेड़ के पास जाकर कुछ रिचुअल कर रहा होता है। उस पेड़ के अंदर कुछ खून की बूंदे डालने पर पेड़ से कुछ मशरूम जैसी चीजें बाहर निकलती है जिसे ब्रायडन खा लेता है, जिसे ब्रायडन स्टीफन को खाने देता है, जिसके बाद दोनों भी घर चले आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि गैबी के हाथों से धीरे धीरे पत्ते निकलना शुरू हो गया था, यानी कि गैबी अभी कुछ समय के बाद ही उस क्रीचर में बदलने वाली थी। लेकिन गैबी इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अब ब्रायडन गैबी को जाने के लिए कहता है, लेकिन गैबी स्टीफन को अपने साथ भेजने के लिए कहती है। ब्रायडन इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वे लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे गैबी ब्रायडन से पूछती है कि तुम दोनों यहीं पर रहते हो जहाँ पे ये सारे अजीब फंगस है, तो तुम लोग इनसे इन्फेक्टेड क्यों नहीं हो? जिस पे ब्रायडन वापस कुछ भी नहीं बोलता। अब गैबी को रास्ते में एक टॉर्च मिलती है। गैबी समझ जाती है कि वो विंस्टन की है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। आगे चलने के बाद उसे कैमरा मिलता है जिसके एसडी कार्ड वो निकालती है और आसपास वो विंस्टन को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे विंस्टन दिखाई देता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हुआ था और वो गैबी को देख खुद को मारने के लिए कहता है, पर गैबी ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन तभी ब्रायडन आके गैबी को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन चाहकर भी गैबी विंस्टन को नहीं मार पाती, इसलिए ब्रायडन विंस्टन को एक तीर मार के उसकी जान ले लेता है। फिर ब्रायडन और गैबी घर आते हैं और ब्रायडन घर को लॉक कर देता है। अब रात में हम देखते हैं गैबी के पैरों पर पेड़ उगना शुरू हो जाता है। वो इससे अब परेशान होती है और ब्रायडन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, पर ब्रायडन कुछ भी नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। इसीलिए वो स्टीफन से पूछने जाती है कि ब्रायडन इस वक्त कहाँ गायब हो गया है, तो स्टीफन कहता है वो दरअसल तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गया है। तो यहाँ पे हम ब्रायडन को देखते हैं जो उसी पेड़ के पास आया होता है जिस पर उसने रिचुअल परफॉर्म किया था और वापस कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, लेकिन काफी अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। मानो ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ इसके ऊपर गुस्सा है, जिसे ब्रायडन खुद भी डर जाता है। वही गैबी स्टीफन से पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो स्टीफन कहता है कि दरअसल मेरी माँ अभी भी जिंदा है जंगल में। फिर गैबी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ के पास लेके चलो, और रास्ते में स्टीफन कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि एक ना एक दिन सभी को मरना है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्रायडन भी आ जाता है और इन्हें जाने से रोकता है। अब अगले दिन ब्रायडन और स्टीफन दोनों वही रिचुअल करते हैं पेड़ के पास और वही मशरूम खाते हुए नजर आते हैं, पर स्टीफन भागकर गैबी के पास जाता है और अपना मशरूम गैबी को खिला देता है, जिसकी वजह से गैबी के ऊपर जो पेड़ उग रहे होते हैं वो अचानक से उगना कम होता है। इसीलिए ब्रायडन और स्टीफन उस पेड़ को खून चढ़ा रहे थे ताकि उन्हें वो मशरूम जैसी चीज मिल सके। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्टीफन को गैबी पसंद आने लगी है और इसीलिए स्टीफन ने अपने मशरूम उसे दिए थे ताकि गैबी क्रीचर में ना बदल सके। लेकिन ये पता चलने के बाद ब्रायडन गुस्से में गैबी को घर से बाहर निकालते हुए उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन गैबी नहीं जाती। अब अगले दिन स्टीफन गैबी को अपने साथ उसी पेड़ के पास लेकर जाता है और गैबी से कहता है कि दरअसल ये पेड़ ही मेरी माँ है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल ब्रायडन की वाइफ जो रहती है लिली, उसे भी यही इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण से वो पेड़ में बदल गई थी। अब घर आने के बाद गैबी ब्रायडन को बातों में लगाती है और वो उस कैमरे से निकाली गई एसडी कार्ड को अपने मोबाइल में लगाती है
और उसे रिकॉर्ड की गई फोटो और वीडियो दिखाती है, जहाँ पे एक फोटो में ब्रैंडन विंस्टन के साथ दिखाई देता है। इसे गैबी को लगने लगता है कि विंस्टन की इस हालत का कारण और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था। अब ये सब के कारण गैबी ब्रैंडन से जवाब मांगती है, जिस पर ब्रैंडन गुस्से में कहता है कि इंसानों ने सब कुछ खत्म कर दिया है, इंसानों ने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली है और इतने ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए हैं और जंगल को आग लगा दी है सिर्फ अपने मतलब के लिए। जो पेड़ पौधे क्रीचर उन्हें सही से रखते हैं उसी के साथ उन्होंने ऐसा किया है सिर्फ अपने मतलब के लिए, इसीलिए अब इंसानों को मारने का टाइम आ गया है। ब्रैंडन आगे कहता है कि इंसान अब खत्म होने वाले हैं और हर जगह जंगल ही जंगल होगा। लेकिन गैबी कहती है कि मैं तुम्हारी इन बातों पे विश्वास नहीं रख रही हूँ, तुम कौन सा रिचुअल परफॉर्म करते हो, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों भी गैबी के ऊपर रिचुअल करते हैं, जिसके कारण गैबी बेहोश हो जाती है। और तभी गैबी एक पेड़ को देखती है जहाँ पे सभी लोग बिना कपड़ों के थे। गैबी के पास स्टीफन आता है और यहाँ उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। ब्रैंडन उसी पेड़ के पास नजर आता है जिसका मतलब था सब कुछ खत्म होने वाला था और अब धरती पर पूरे इंसानों के बजाय पेड़ पौधे आने वाले थे। जब गैबी की आंख खुलती है तभी ब्रैंडन उसे बताता है कि उस रात को उसने पेड़ से क्या मांगा था, जिस पे पेड़ गुस्सा हो गया था। आगे वो बताता है कि मैंने स्टीफन को मांगा था पर वो पेड़ नहीं माना। अब एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। अब रात के समय ब्रैंडन कहीं पे चला जाता है और यही मौका देख के गैबी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ इस जंगल में उसके ऊपर खतरा था। पर बीच रास्ते में ही ब्रैंडन स्टीफन को रोकता है और स्टीफन को कहता है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग बुरे हैं और वो तुम्हें मार डालेंगे, मैंने हमेशा उनसे तुम्हें बचा के रखा था, इसीलिए वहाँ पे मत जाओ। और स्टीफन ब्रैंडन की बातों में आ जाता है और उसके साथ वापस घर चला जाता है। अब गैबी खुद अपने घर जाने का सोचती है पर वो वापस स्टीफन के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रैंडन स्टीफन के साथ कुछ गलत करेगा। और गैबी सही सोच रही थी क्योंकि ब्रैंडन स्टीफन को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जाता है। लेकिन तभी गैबी घर से तीर उठा लेती है और ब्रैंडन को ढूंढने निकल जाती है। स्टीफन को अब भी कुछ भी नहीं पता होता कि ब्रैंडन उसका बलि देने वाला है। रास्ते में स्टीफन ब्रैंडन से पूछता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रैंडन कहता है कि हम बलि चढ़ाएंगे। लेकिन स्टीफन कहता है कि हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर किसकी बलि चढ़ा रहे हैं। लेकिन तभी ब्रैंडन कहता है कि तुम्हारी। तभी वहां पे गैबी आ जाती है और ब्रैंडन को रोकती है, पर ब्रैंडन नहीं रुकता, इसीलिए गैबी उसे तीर मार देती है। इससे ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अब वो गैबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन स्टीफन गैबी को बचाने के लिए ब्रैंडन से लड़ता है। इतने में ही जो अजीब क्रीचर रहता है वो वहां पे आ जाता है। ब्रैंडन पूरी तरीके से पागल होकर गैबी की बलि चढ़ाने का सोचता है, क्योंकि उसके कारण उसका पूरा प्लान खराब हो गया था। पर स्टीफन गैबी को बचा लेता है और वो अपने पिता को मारने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है। गैबी और स्टीफन ब्रैंडन को वही उसी क्रीचर के पास छोड़कर वहां से निकल आते हैं। अब उसी रात गैबी और स्टीफन इंटीमेट होते हैं और अगले दिन गैबी वही बुक पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि सब चीजों की वजह इंसान है, उनके कारण इस धरती का विनाश होने वाला है, उन्होंने ही सब कुछ खत्म कर दिया था। और इसी के साथ हम ब्रैंडन को देखते हैं जो उस क्रीचर का शिकार बनने के कारण इन्फेक्टेड हुआ था। वो फिर उसी पेड़ को अपना खून चढ़ाता है, पर इस बार उसमें से कुछ भी नहीं निकलता और ब्रैंडन उसी खराब हालत में वहीं पे पड़ा रहता है। और देखते देखते ब्रैंडन भी एक पेड़ में बदलने वाला था, तो वही गैबी भी अब उस क्रीचर में बदल रही होती है, क्योंकि वो स्टीफन के साथ इंटीमेट हुई थी। स्टीफन ने शुरू से ही रिचुअल के जरिए खुद को बचा के रखा था और वो जंगल में रहने के कारण कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता था, और इसी कारण से उसने गैबी को भी वैसा ही बना दिया था। लेकिन इन सब के बारे में स्टीफन कुछ भी नहीं जानता था। गैबी अब उसे जाने को कहती है पर स्टीफन नहीं जाना चाहता था, पर गैबी के कहने पर वो वहां से चला जाता है और वहां से शहर में आता है, जहां पे एक रेस्टोरेंट में खाने के बाद हम देखते हैं कि उसने जंगल से लाई हुई इन्फेक्टेड फंगस उसी झूठे खाने में लगती है। इसका मतलब है उस जंगल का जो इन्फेक्शन था वो धीरे धीरे इस पूरे धरती पर फैल रहा था।
ये थी मूवी गियाम, जो कि एक साउथ अफ्रीकन इकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। दरअसल डायरेक्टर जोको बोवेर यहाँ पे ये दिखाना चाहते थे कि कैसे इंसानों ने पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन कर दिया है, और जिस दिन ये एनवायरनमेंट और नेचर अपना बदला लेना शुरू करेगा तब इंसान उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।